हरियाणा सरकार इस बार प्रदेश में 3 फरवरी को प्रदेश के 3 स्थानों यमुनानगर, नरवाना व गुरुग्राम में संत रविदास जयंती मनाने जा रही है, जिसको लेकर सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा भव्य तरीके से जयंती मनाई जाएगी। वे इस हफ्ते से इसके लिए अंबाला प्रवास कर रहे हैं। इसमें 21,000 श्रद्धालु अंबाला लोकसभा से शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती को 3 स्थानों पर 3 फरवरी को मना रही है। एक यमुनानगर, उसका संयोजक मुझे बनाया है, और दूसरा नरवाना, वहाँ पर संयोजक कृष्ण पुआर व सह संयोजक सुनीता दुग्गल को बनाया गया है, और एक गुड़गावा मानेश्वर में तीसरा कार्यक्रम होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रीमान बनवारी लाल जी उसकी तैयारी में लगे हैं। मैं एक हफ्ते से अंबाला लोकसभा में प्रवास कर रहा हूं इस कार्यक्रम के लिए, और हमारा 21,000 श्रद्धालुओं को संत रविदास जी महाराज की इस जयंती पर एकत्रित करने का लक्ष्य हमने रखा है। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा राहुल कश्मीर यात्रा पर हैं। वहां के लोगों को बताएं कि नेहरू ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी। कटारिया ने कहा कि राहुल ये सब देश की जनता को बताएं, नेहरू ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों नहीं बनने दिया, उसकी वजह से आज हमारे हाथ में भीखा कटोरा है। उन्होंने चीन को सदस्य बनवाया और भारत आज भी कतार में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की राजनीति में एक परफॉर्मेंस का युग चल रहा है, काम करने का युग चल रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपने 50 वर्षों के शासन काल में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। अब राहुल गांधी जी कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि क्या वो कश्मीर की जनता को बताएंगे कि मेरे नाना परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कश्मीर विभाजन का षड्यंत्र रचा था? नेहरू ने। क्या राहुल गांधी जी कश्मीर की जनता को और देश की जनता को बताएंगे कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिल रही थी, लेकिन नेहरू ने यह कहकर कि हमें नहीं चाहिए, चीन को दे दो, और 70 साल पहले ये स्थायी सदस्यता जो 5 देशों के पास है ये चीन को दिलवा दी, और हम आज तक भीख का कटोरा मांग रहे हैं लिए कि हमें स्थायी सदस्यता बनाओ। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हम जनसंख्या के हिसाब से अगले महीने चाइना को भी मात कर जाएंगे।
सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भारत की सैन्य क्षमता वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। भारत के पास मिसाइलें काफी मार्क क्षमता की हैं। यदि भारत पर कोई देश न्यूक्लियर विस्फोट करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसी किरणें निकलेंगी कि न्यूक्लियर उनके ही देश में विस्फोट हो जाएगा। मारक क्षमता आज भारतीय सेनाओं की हो गई है के कईयों में हम सारे विश्व में नंबर वन पर हैं। यहां तक कि क्या हमारी टेक्निक, वैसे होता तो बहुत गोपनीय है, यानी कि हमने यहां तक टेक्निकें हासिल कर ली हैं कि अगर दुश्मन ने न्यूक्लियर बम भारत की तरफ फेंका तो हमारे अनुसंधानों से ऐसी किरणें निकल सकती हैं कि वो दिग्भ्रमित होकर उल्टा ही लगे जाके उनको। हाँ, तो ऐसी, क्योंकि अव्वल में तो घुसने नहीं देते उनमें जहाँ ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। बंसजी भी मेरे साथ थी लेकिन किसी भी लेडीज को नहीं जाने देते। अंबाला में सांसद रतनलाल कटारिया से पत्रकारों ने उनके द्वारा किए गए पांच कामों को गिनवाने की बात कही तो सांसद उलझ गए और अपने पूरे पांच काम नहीं गिनवा पाए। महाराज, जो जिसने भी करे हो, आप ये बताओ ना, पैसे किसने दिए? और किसका ये किसका योगदान है? ये सारे मेरे तो काम है। ये जितने वायदे किए उनमें से गिनाओ। आपने यमुनानगर चंडीगढ़ रेल लाइन, बस एक रह गया, 100 काम हो गए। वो एक ही के ऊपर तो आपने जोर दिया, नहीं हुआ। मैंने तो सबके ऊपर जोर दिया है और सारे काम हो रहे हैं। अब कटारे जी ऐसे बता दो, अगले 2 साल में क्या कुछ मिलने जा रहा है? ऐसा है, मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आज मैं बड़ी मुश्किल से तो बैठता हूँ आप लोगों के साथ, भाई फिर ये कंट्रोवर्सी में चली जाओ। नहीं, मैं जानू इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने 50 साल हो गए इस काम में। हैं, मुश्किल से ना बैठे करो, आप आराम से बैठे करो, आपके सारे भाई बंद हैं। देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना पैसा भारत सरकार अम्बाला लोकसभा में खर्च कर रही है, इतना पैसा शायद किसी दूसरे लोकसभा में खर्च ना हो। अब पता क्या है, लेकिन ये बंदे एक मिनट, ये अपनी अपनी किस्मत भी होती है। जैसे आप करें ना, पंचकूला में मैंने वुमन हॉस्टल बनवाया, मैं जल शक्ति मंत्री था, मैंने 5 करोड़ रुपए अपनी कलम से वेबकोस से मंजूर किए। मैं हट गया 2.5 साल के बाद, वो बिल्डिंग तैयार होगी, तो जब बिल्डिंग तैयार होगी तो मैं मंत्री नहीं था, तो जो आज कोई मंत्री है तो फिर वो सोचते हैं भाई कहना बुलाओ, अपना नाम करो। पिछले वालों का भी लिया होगा, तो जाता ही है जो भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी वक्त आएगा, आज नहीं मैं बोल सकता, कभी वक्त आएगा मैं इन सब चीजों का खुलासा करूंगा अपने जीवन में। फिर आप इतना सीरियस ना डालो, उसमें क्या हो गया, एक साथ ने पूछ लिया तो आप आराम से कह दो, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? कह दिया मैंने तो, आपके काम सबको पता है। आप गुना दो चार हो। ये हमारी तरफ से भी है, हमारी भी है। ये यूनिवर्सिटी वाले जो 50 लाख क्विंटल के सिल्लो के बन रहे हैं अम्बाड़ा लोकसभा में, क्या बोलते हैं, सिल्लो प्लांट्स वेयर हाउसिंग, हाँ वो भी हम करवा रहे हैं। और अभी मुझे कम्युनिकेशन मिनिस्टर की चिट्ठी आई है कि जो मुद्दे आप लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, साइबर कनेक्टिविटी के, ड्रोन टेक्नोलॉजी के,
ऐसा कोई सा विषय है नहीं जिसमें आपका सांसद पार्टिसिपेट नहीं करता हो। हर एक मेंबर पार्लियामेंट की भूमिका यही होती है कि वो अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को लोकसभा के अंदर उठाए।